नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोटीन से भरपूर, ये हैं वाइट लोबिया जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मैं बहुत बनाती हूँ। तो इसमें मैंने डाली है 2 आलू, 1 चम्मच नमक, 1 दालचीनी का टुकड़ा और इसे मैं उबलने के लिए रख दूँगी, बॉईल होने के लिए। और इसे मैं 5-7 सीटियाँ, कम से कम 6-7, तो अगर तेज पर लगानी है तो 7 सीटी लगानी पड़ेंगी। और इसे मैंने, ये देखिए, सीटी लगाकर इसे मैशी हो गए हैं बिल्कुल, आलू उबल गए हैं और जो लोबियाँ हैं वो भी अच्छे से उबल गए हैं। तो इन्हें देखिए, आलू को निकाल लीजिए और छिलका उतार कर इन्हें कट कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल से तैयार हैं बनाने के लिए लोबिया। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ कढ़ाई में ऑयल, थोड़ा सा डाला हींग और डाला जीरा और इसे चटक मटक कर तैरने देते हैं, थोड़ा सा डांस करने देते हैं और फिर ये हो जाएगा गुस्से में लाल। और फिर हम डालेंगे इसमें प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और फिर इसे अच्छे से तड़पाएंगे, इतना तड़पाएंगे कि तड़प तड़प कर ये भी गुस्से में लाल हो जाएगा। जब ये मसाला सारा लाल हो जाए गुस्से में, हल्का हल्का गुलाबी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे इस तरह से आप भून लीजिए चलाते हुए। और इसमें आप ऐड करें ये टमाटर और हरी मिर्च की प्योरी और इसे भी अच्छी तरह से चलाएं, अच्छी तरह से कड़छी को वो चलाना है लगातार ताकि ये मसाला जल ना जाए। अब डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले, ये आ गए प्यारी सी मसालेदानी, इसमें से डाला थोड़ा सा नमक ज़रूर डालिएगा, तड़के में अच्छा टेस्ट आता है। लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला देगी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। और ये MDH का छोले मसाला सुना है, इससे लोबिया बहुत अच्छे बनते हैं तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ऐड कर दिया इसके अंदर 1 चम्मच भर के और थोड़ा सा चाट मसाला भी ले लिया इनका और देखते हैं कि आज ये लोबिया बनता कैसे है। तो अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स किया और फिर देखिए इसकी रंगत कितनी अच्छी ग्रेवी की आ गई है। चारों तरफ से जब ऑयल निकलने लग जाए तब तक आपने इसे भूनना है। और जब मसाले की खुशबू आए आपकी तरफ तो थोड़ी सी खुशबू और बढ़ाइए, हथेली पर रगड़िए कसूरी मेथी को और वो भी इसके अंदर डाल दीजिए और फिर भून लीजिए अच्छे से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारे उबले हुए आलू थे, उसे कट कर लेंगे, उसे डाल देंगे ताकि जो हमारे लोबिया हैं वो बहुत अच्छे से बनने वाले हैं, क्योंकि आज हम इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मसाले डाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बॉयल आलू हम इसके अंदर डाल देंगे और इसी के साथ डाल देंगे उबले हुए लोबिया। लोबिया को कहते हैं राजमा की छोटी बहन और बहुत टेस्टी लगती है ये। आप इसे राइस के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।